एक बार फिर आप सभी का सत्य न्यूज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज मंगलवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैसी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। हाथ पकड़कर पत्नी चिल्लाती रही लेकिन पति ने जान दे दी। यह सनसनी फैला देने वाली घटना सूर्यावर रेलवे स्टेशन के समीप की है। घरेलू झगड़े से उबकर सूर्यामा इलाके के आजाद नगर मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय राम रंजीत उर्फ उदल गौतम सूर्यामा रेलवे स्टेशन की तरफ घर से निकल पड़ा। पीछे पीछे पत्नी भी पहुंच गई। ट्रेन आता देख उदल रेलवे ट्रैक पर जाने का प्रयास करने लगा लेकिन लगातार पत्नी हाथ पकड़कर चिल्लाने के साथ साथ विनती करती रही। लेकिन जैसे ही ट्रेन नजदीक पहुंची वैसे ही उदल पत्नी को धक्का देकर दौड़ पड़ा और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। हादसा देख इलाके में सनसनी फैल गई। घटना होते ही उदल की पत्नी जमीन पर अचेत होकर गिर पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। सीओ ज्ञानपुर भुवनेश्वर पांडे के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। वारंट जारी होने के बाद भदोही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। यह आदेश प्रतापगढ़ जिले के अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दिया है। इस संबंध में प्रतापगढ़ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक फौजदारी देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि 23 मार्च 2004 को तत्कालीन सांगीपुर एसओ रहे भुवनेश्वर पांडे ने चेकिंग के दौरान एक मामले में आत्माराम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। दौराने मुकदमा कई बार सीओ ज्ञानपुर भुवनेश्वर पांडे को बयान के लिए बुलाया गया लेकिन वह नहीं आए। ऐसे में माननीय न्यायालय ने 17 नवंबर तक सीओ ज्ञानपुर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। सोमवार को विश्व मधुमेह दिवस पर जिला अस्पताल ज्ञानपुर में आयोजित कार्यक्रम के बाद अस्पताल की जमीनी हकीकत परखने के लिए डीएम गौरांग राठी महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती मरीजों से बातचीत करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान जिला अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों व उनके तीमारदारों से डीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। निरीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंचे डीएम गौरांग राठी से कुछ मरीज के परिजनों ने बाहर से दवा लिखे जाने की शिकायत कर दी। बस क्या था, डीएम गौरांग राठी अस्पताल के डॉक्टर अर्जुन मिश्रा व डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा के कमरे में पहुंच गए और स्क्रीन व दंत रोग विशेषज्ञ इन दोनों डॉक्टरों को डीएम ने जमकर फटकारा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक भी मौजूद रहे। मछली शहर वाराणसी वाया भदोही हाईवे मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की कवायद तेज हो गई है। पिछले कई दिनों से चौरी इलाके में हाईवे के अधिकारी व भदोही तहसील की राजस्व टीम काश्तकारों की जमीनों की नाप जोख कर लाल निशान लगा रही है। इस दौरान इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को चौरी बाजार के ब्रह्म आश्रम मंदिर के समीप राजस्व विभाग की टीम पहुंचकर काश्तकारों की भूमि की नाप जोख करते हुए देखी गई। हालांकि इस मामले में टीम में मौजूद अधिकारी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। भूमि की नाप जोख कर टीम मकानों पर लाल निशान लगा रही है। माना जा रहा है कि मछली शहर वाराणसी वाया भदोही हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले कोटेदारों पर डीएम गौरांग राठी काफी सख्त हो गए हैं और गरीबों का राशन नोडल अधिकारियों की निगरानी में पूरी ईमानदारी से वितरण कराए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी व पूर्ति निरीक्षकों को डीएम ने सख्ती के साथ निर्देश दिया है और कहा है कि शासन के मंशा अनुसार राशन का वितरण कराया जाए। कहा कि राशन वितरण के दौरान गैर हाजिर रहने वाले नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी पूर्ति निरीक्षक प्रत्येक माह मानक के अनुसार सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करें। सोमवार को डीएम ने यह निर्देश जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में दिया है। सोमवार को भदोही तहसील सभागार में
परिचय समारोह का आयोजन किया गया था। नवागत एसडीएम डॉक्टर कृपाशंकर पांडे के तैनाती के बाद भदोही तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले परिचय समारोह का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे, जहाँ नवागत एसडीएम डॉक्टर कृपाशंकर पांडे ने बेंच और बार का संबंध बेहद मधुर होने का भरोसा अधिवक्ताओं को दिलाया है। साथ ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि परिचय समारोह में वार्ता व पहली मुलाकात बेहतर रही। अध्यक्ष ने बताया कि एसडीएम भदोही ने प्रतिदिन एक घंटा अधिवक्ताओं को डायस पर समय देने का भरोसा दिया है। इस मौके पर भदोही तहसील के तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। चौरी इलाके के चकभुईधर में चर्चित मौत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। परिजन लगातार हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने का आरोप लगा रहे हैं। मौत के इतने दिनों बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि चौरी भरत मिलाप के मौके पर वाराणसी के बड़ा गांव निवासी मनीष पांडे मुंबई से अपने दोस्तों के बुलावे पर चौरी का मेला देखने आया हुआ था। पुलिस चौकी के समीप पार्टी हुई थी, उसके बाद मनीष का शव कुएं से बरामद हुआ। हालांकि चौरी पुलिस ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश में जुटी हुई है। मनीष के मौत का मामला हत्या या हादसा में आज भी उलझा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि अगर मनीष के साथ हादसा हुआ तो फिर उसके शरीर से कपड़े कैसे उतरे। उसी कुएं से मनीष के कपड़े भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मनीष के मौत का मामला आज भी एक पहेली बनी हुई है। पांच दशक से जिस भूमि पर गरीब बनवासी समाज के लोग अपने परिवार के साथ काबिज थे, अब उसी भूमि पर धन के बल पर कब्जा कर लिया गया है। ऐसा आरोप है ज्ञानपुर तहसील इलाके के सिंहपुर निवासी मन्नालाल पिंटू सिंटू आदि का। सोमवार को बनवासी समाज का गरीब परिवार डीएम कार्यालय अर्जी लेकर पहुंचा था। एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि लगभग 50 वर्षों से गांव की भूमि पर मड़हा डालकर रहते चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों धन के बल पर पुलिस व राजस्व विभाग की मिलीभगत से गांव के ही कुछ लोगों ने भूमि पर कब्जा कर लिया है। बनवासी समाज के लोगों का कहना है कि इसके अलावा उनके पास कोई भूमि नहीं है। कहा कि कब्जा करने के दौरान उनके मड़हे को आग के हवाले कर दिया गया था। शिकायती पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराए जाने की बनवासी समाज के लोगों ने मांग की है। एक कलयुगी बहू अपने ही सास ससुर को परेशान कर मारपीट रही है। परेशान वृद्ध सास ससुर पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। मामला कोयरौना थाना इलाके के गंगापुर तलिया बैरी बीसा का है, जहां लालमणि ने कोयरौना पुलिस को एक तहरीर देते हुए अपनी ही बहू पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि आए दिन बहू वृद्ध सास ससुर को गाली गलौज देने के साथ साथ मारती पीटती है। आए दिन सड़कों पर उतरकर दुर्व्यवहार भी करती रहती है। सोमवार को कलयुगी बहू एक बार फिर सास ससुर की पिटाई करने लगी। परेशान वृद्ध सास ससुर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। शिकायती पत्र देते हुए लालमणि ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। दबंगों के आतंक से एक दिव्यांग का परिवार डरा व सहमा हुआ है। दिव्यांग को खदेड़कर उसकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे टीका गांव का है। दिव्यांग मनोज कुमार सोमवार को डीएम दरबार पहुंचकर एक अर्जी देते हुए गुहार लगाई है। कहा कि वह छोटे छोटे भाई बहन को लेकर मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चलाता है। गाँव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग उसकी भूमधरी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और गांव छोड़ देने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित दिव्यांग ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है और भूमधरी जमीन पर अवैध कब्जा न हो इसके लिए आला अफसरों से गुहार लगा रहा है। गोपीगंज इलाके के रायपुरी में 5 वर्षीय एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में पाई गई थी। देवराज नामक होमगार्ड के जवान ने इसकी जानकारी चाइल्ड लाइन को दी थी। मौके पर पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम की सदस्य सोनी ने बच्ची को कब्जे में लेते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण भी जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया था। उसके बाद लावारिस मासूम बच्ची को न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माता पिता के मिलने तक उसे सिंहपुर स्थित जनक समिति में रखा गया था।
लेकिन माता पिता का पता न चल पाने की वजह से उसे बाल गृह शिशु केंद्र सोनभद्र भेज दिया गया है। इस मौके पर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, विनय पाठक, राजेश यादव, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पूर्व चेयरमैन भाजपा नेता घनश्याम दास गुप्ता ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए वोट माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। डीएम को सौंपे गए पत्र में भाजपा नेता घनश्याम दास गुप्ता ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड तैयार कर वोट बढ़ाए जा रहे हैं और वोट माफियाओं द्वारा बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। बताया कि नगर पंचायत ज्ञानपुर के वार्ड नंबर 5 व 9 में बड़े पैमाने पर फर्जी आधार स्कैन कराकर लगभग 400 नाम बढ़ाए गए हैं। भाजपा नेता ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की डीएम से मांग की है और ऐसे वोट माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की भी मांग रखी गई है। भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भदोही जिले में मनाई गई। सोमवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड निर्यात भवन में कांग्रेसी नेता परवेज आलम के प्रतिष्ठान पर जमा हुए कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद कांग्रेसी भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में पहुंचे, जहां अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फल का वितरण किया गया। कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता एडवोकेट जितेंद्र बहादुर यादव, काशीनाथ, मुशीर इकबाल, मोतीलाल मिश्रा आदि मौजूद रहे। ग्राम सभाओं में मिनी सचिवालय के अब अपने अलग खाते होंगे। ग्राम सभा वासियों को कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल विशेष खाता खोले जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को अवराई विकास खंड कार्यालय के सभागार में इस खाते के बारे में खंड विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत अधिकारियों को जानकारी दी है। बताया कि ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, आय, जाति समेत कई अन्य प्रमाण पत्र व विभिन्न योजनाओं के लिए जन सेवा केंद्र व तहसील मुख्यालय तक की दौड़ न लगानी पड़े, इसके लिए ग्राम पंचायतों में स्थापित मिनी सचिवालय पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाने व इनका संचालन पंचायत सहायक से कराने का निर्णय हुआ है। बाल दिवस पर भदोही शहर के पायल टाकीज एम ए समद इंटर कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विद्यालय के छात्रों द्वारा बनाई गई झांकियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, साथ ही बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था। बाल दिवस के मौके पर एमएस समद इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान नव निर्मित भवन का फीता काटकर अतिथियों ने उद्घाटन भी किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया था। भदोही विधायक द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान भी कॉलेज को दिया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे समाज सेवी कालीन निर्यातक मोहम्मद वासिफ अंसारी व जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता ने कॉलेज की प्रशंसा भी की है। कार्यक्रम का संचालन आकिफ मोहम्मद खालिद तथा आभार मैनेजर मोहम्मद राशिद अंसारी व प्रधानाचार्य रियासत अली अंसारी ने किया है। इस मौके पर हाजी इरशाद खान पप्पू, मोहम्मद समीम अंसारी, नसरुद्दीन अंसारी, अशफाक अहमद, विनोद राम आदि मौजूद रहे। बाल दिवस के मौके पर भदोही शहर के हरियाव में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने खेल का हुनर दिखाया। खेल प्रतियोगिता में बोरा दौड़, कबड्डी व सामूहिक गेम जैसे खेलों में बालक व बालिका वर्ग के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई थी। विजेता बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर आदि सामान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सुरेंद्र कुमार बिंद रहे तथा मुख्य अतिथि के रूप में राम बहादुर बिंद पहुंचे थे। इस मौके पर विकास बिंद व राम प्यारे बिंद आदि मौजूद रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में भदोही जिले में मनाई गई। अलग अलग स्कूलों में चाचा नेहरू को बच्चों ने याद किया। भदोही शहर के चौरी रोड स्थित स्काई हाई स्कूल में चाचा नेहरू के जयंती पर स्कूल में ही बच्चों ने अपनी दुकान सजाई थी। स्टॉल पर गोलगप्पे, टॉफी, बिस्किट, पास्ता, केक जैसे खाने पीने के सामान मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य विकास गुप्ता सहित सुरभि गुप्ता, अरविंद गुप्ता व सुषमा गुप्ता आदि मौजूद रहीं।
भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर लीग विकास खंड के चकमान धाता प्राथमिक विद्यालय पे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस के रूप में बच्चों ने जयंती मनाई है। इस दौरान स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों के बीच टॉफी का वितरण किया, साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर बच्चों संग अध्यापकों ने प्रकाश डाला। इस मौके पर हेडमास्टर मासूक अहमद सहित अध्यापक कृष्ण बाबा मिश्रा, मधुलिका रेणु, मंजुला त्रिपाठी, गिरीश पांडे आदि मौजूद रहे। कोरोना इलाके के बाबा सेमरातनाथ धाम उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। जयंती पर पहुंचे समाज सेवी गौरव मिश्रा और चंद्रशेखर सिंह ने बच्चों के साथ चाचा नेहरू की जयंती मनाई और बच्चों में फल का वितरण किया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में जयंती की धूम रही। इस मौके पर आदित्य कुमार, गुड्डू सिंह, पंकज आदि मौजूद रहे। बाल दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। भदोही शहर के मर्याद पट्टी मदर हलीमा पब्लिक स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया था, जहां स्टॉल सजाए गए थे। बच्चों के संग अभिभावकों ने भी बाल मेले का लुत्फ उठाया। मदर हलीमा स्कूल में धूमधाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर स्कूल के तमाम शिक्षक व कर्मचारीगण आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के हर इलाके की खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज भेट टीवी। आपके आसपास भी है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें जरूर बताएं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी अपील के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।